जिग्नास किचन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम गुंदर पाक बनाने जा रहे हैं। सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही पौष्टिक डिश है, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। मावे के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ की है ताकि बार बार हमें इसे चलाना न पड़े। बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। करछी की मदद से हम साइड्स में से भी निकालते रहेंगे, जो भी मलाई हमारी साइड में चिपकी हुई है वो भी हम निकाल के मिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है और मावा बनके रेडी होने ही वाला है। बस ये टाइम पे आपको करछी कंटिन्यूस चलाते रहना है ताकि मावा नीचे चिपके नहीं, और गैस की फ्लेम को भी बने तो तक स्लो ही रखना, तो हमारा मावा अच्छा वाइट कलर का रहेगा और काला नहीं होगा। मावा बनके तैयार है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने एडिबल गम जिसे गुंदर बोलते हैं, शक्कर और मावा, ये 3 चीज़ें ली हैं। एक कढ़ाई में 1/4 कप घी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे एडिबल गम जिसे हम गुंदर बोलते हैं, और करछी की मदद से इसे हिलाते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से फूल ना जाए। ये फूलना स्टार्ट हो चुका है, गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और इसे पूरी तरह से फुला लेंगे। ये अब अच्छे से फूल चुका है, इसे एक डिश में हम निकाल के रख देंगे। चाशनी बनाने के लिए 1/3 कप शक्कर ली है और 1/4 कप पानी लिया है। इसे हम मिलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर पूरी तरह से पिघल ना जाए। अब शक्कर पिघल चुकी है, इसे मिक्स करते रहना है जब तक कि हमें एक तार वाली चाशनी ना मिले। हमारी चाशनी बनके तैयार है दोस्तों। तो अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसमें मावा डाल देंगे, और मावे को अच्छी तरह से मिलाना है जब तक कि मावे में शक्कर अच्छे से घुल मिल ना जाए। इसे करछी की मदद से हमें हिलाते ही रहना होगा। अब मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है दोस्तों, तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा फूला हुआ एडिबल गम गूंदर और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इस डिब्बे में पहले से ही घी का हाथ घुमा लिया था, तो इसी में अब हम अपना मिक्सर डाल लेंगे और हल्के हाथों से इसे पूरी तरह से चपटा कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है दोस्तों। अब ये तैयार है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे गार्निशिंग के लिए, और इसे सेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। इसे पूरी तरह से हम ठंडा होने देंगे, फिर ही हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, और मुझे बताइएगा आपका ये कैसा बना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।